मेरा नाम वनीता रावत है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। बचपन से आदत है हम सभी को, कसम से, माँ की कसम, आई स्वेयर, मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रहा हूँ। ये इतना सुन लिया है कि समझ ही नहीं आता सच है क्या। मुझे आपसे ये जानना है सत्य क्या है। जैसे कोई बोलता है ना आई स्वेयर, इन ऑल ऑनेस्टी, मुझे लगता है ये बिल्कुल सच नहीं है, इसके पीछे कुछ और होगा। तो मुझे आपसे जानना ये है। सही बात है। यस, आई एम ग्लैड गुरुदेव कि आपने इस चीज को एंडोर्स किया। बट मेरे मन में बहुत ये था कि मैं आपसे पूछूं, आपके हिसाब से साक्षात सत्य क्या है? जो सत्य को जानते हैं वो बोल नहीं पाते। क्या बात है। वो सिर्फ उसको जीते हैं। मगर एक झूठ के बारे में, एक सत्य के बारे में एक कहानी है। एक बार अकबर बादशाह ने डिक्लेयर कर दिया, जो झूठ बोलेगा उसको फांसी की सजा मिल जाएगी। तो इसके बाद बड़ा हलचल मच गया दिल्ली में। चांदनी चौक में लोग इकट्ठे हो गए, एक तरफ से सारे ज्योतिषी इकट्ठे हो गए। वो बोले ये क्या बात है, हम तो कुछ अंदाज से बोलते हैं, कोई आके बोलता है लड़का या लड़की, हम बोलते हैं लड़का ना लड़की, कुछ तो हम बोल देते हैं, कल झूठ हो जाए तो हमको फांसी मिल जाएगी। किसी को बोलते हैं तुम्हारा शादी हो जाएगी, वो नहीं हो तो हम जो जेल जाना पड़ेगा। इस तरह से ज्योतिषी तंग आ गए। फिर कापड़िया लोग जो कपड़े बेचते थे वो तंग आ गए, वो जब भी बेचते हैं ये सबसे बेहतर क्वालिटी बोलते हैं। लॉयर्स बोले कि ये कौन से कानून है, ये तो अनएक्सेप्टेबल है। फिर आई डॉक्टर्स की बारी, डॉक्टर्स बोले बाप रे मैं तो बोलता हूँ ये दवा देखो तो ठीक हो जाएगा, कसम खा के तो हम दवा देते हैं, नहीं ठीक हो तो क्या करें। सो इस तरह से पूरे के पूरे दिल्ली में हलचल मच गया। सब ने बोला बीरबल के बोल भाई कुछ तो करो तुम, ये जो कानून है ना इसको बरकरार कर लो। तो बीरबल घुसे बादशाह के दरबार में, बादशाह के अंतपुर में। वहाँ के गार्ड ने रोका उनको, बोला बीरबल कहाँ जा रहे हो, अंदर जाना मना है। और बोला नहीं फांसी लगवाने जा रहा हूँ। तो ये खबर फिर बादशाह को मिले, बीरबल को कौन फांसी देगा, वो तो उनके नवरत्नों में से एक था। तो अब ये समस्या आ गई, झूठ बोला बीरबल ने, अब बीरबल को फांसी मिल जाए तो वो जो बोला था वो सच था। एक इनोसेंट व्यक्ति को तुमने फांसी दे दिया, फिर राजा पर जुल्म आ जाता है। तो राजा चौंक गया, माने बादशाह चौंक गए। बादशाह सब मंत्रियों को बोला, विद्वानों को बोला, अब करें क्या, इनको फांसी दोगे तो फंसूंगा, नहीं दोगे तो हमारा कानून बर्खास्त हो जाएगा, क्या करें। तब वहाँ एक अच्छे ज्ञानी पंडित बोले, बादशाह सत्य जो है वो वाणी के पकड़ में नहीं आने वाले, जो सत्य है वो अलग है, जो बोल है वो अलग है। अल्टीमेट सत्य वो है जो तीनों कालों में एक सा रहता है। नहीं तो कोई भी बात पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर से अफेक्ट हो जाता होता है कि नहीं।